देखिए मैं यहाँ से दिखाती हूँ पूरा। ये देखिए इस तरह से ये बोनसाई मैंने यहाँ पर रख दिए। ये पूरे फाइकस हैं, पूरे फाइकस पूरे तो नहीं है, अभी और हैं उधर फाइकस मैं रखूँगी, लेकिन ये मैंने इस तरह इतना हिस्सा इस तरह का जमाया है, ये बता रही हूँ आपको, क्लोज करके बिल्कुल बताती हूँ। ये देखिए ये जेड बोनसाई है ओल्ड, ये मोर है जो हमारी ऐसी हो चुकी है, पूरा आर पार दिखाई दे रहा है। और ये देखिए वाइल्ड जैस्मीन कैसी हो गई थी, मैंने कट कर दिया इसको, इसके साथ शेयर करा मैंने एक मिनट के वीडियो में कट करने के कट करा है। तो ये देखिए डक, ये देखिए अब मैं यहाँ से दिखाती हूँ आपको। ये देखिए लग रहा है ना ब्यूटीफुल, और वो ऊपर का वो पोर्चुलिका का टैंक है जो कि मैंने जो मटके से बनाना बताया था आपको, अभी इसमें काफ़ी बर्ड्स आने लगे। ये देखिए बहुत सारे बर्ड्स हैं, खिलेंगे तो एक साथ खिलेंगे। ये देखिए कितने बर्ड्स हैं, अनगिनत बर्ड्स हैं। ये ऐसा वाहिद एक प्लांट है जो क्या बोलते हैं, एक डाली में से कई कई बर्ड्स निकलते हैं, कई कई बर्ड्स निकलते हैं, बस खाली लगाने की देर है आपको। आप फूलों से आपका गार्डन भरा रहेगा हमेशा अगर आपने ये पोर्चुलिका लगा लिया तो, बहुत ब्यूटीफुल है। अब ये देखिए मैंने और दिखाती हूँ मैं इस तरह से, आपको कैसा लग रहा है ये। मैंने इसको वो थैले में, थैला फट गया था तो मज़बूत वो, अब 8 महीने से इसमें ही लगा हुआ, 8 से 10 महीने, लेकिन क्या है कि वो ये जो चल रहा था ना काम, उठाया इधर से उधर उधर से उधर तो फट गया था, तो मैंने ये पेंट की बाल्टी में लगा दिया। देखो उसके पूरे फूल झड़ गए, नहीं तो इस टाइम तो बहुत लदा हुआ रहता है ये, फिर आ जाएगा वो। अभी यहाँ पे मैंने बोगनविलिया रख दी है येलो, यहाँ पे ये आने वाला है अभी फिर से फ्लावर्स पे, अभी था फ्लावर्स पे लेकिन मैंने फिर कट कर दिया क्योंकि सारे प्लांट ख़राब हो गए, इसलिए मैं कट कर देती हूँ। मुझे ऐसे बेकार ये देखिए कनेर आ गया, अब ये भी कनेर है और इसकी दूसरी वैरायटी है कई पेटल्स वाला है ये कनेर, इसका नीचे का ये इस तरह का है। ये देखिए ये काफ़ी फूल आने वाले थे इसमें के अंदर रखना पड़ा, अब ये भी फूल दे के गया, और फिर क्या बोलते अब मैंने इसको कट कर दिया। ये देखिए ये भी डबल पेटल वाला है, सेम है ये वाला और ये देखिए ये अपराजिता है, बहुत सूख गई थी, बेकार हो गई थी, अभी 4 दिन से यहाँ रखी हुई है तो ज़रा सही हो गई है। और ये मेहंदी का प्लांट इधर से उठा लेते हैं क्योंकि हमारे काम इन लोगों का काम कैसा है, एक काम करते हैं दूसरा बिगाड़ देते हैं। देखिए कैसा काम कराया कि यहाँ पानी भरने लगा, स्लोप सही नहीं दिया, ये देखिए स्लोप सही नहीं दिया, यहाँ पर पानी भर रहा है। ये देखो वहाँ पर मैंने जेड रख दिए और यहाँ अभी फिर से सेट करेंगे, अभी उतना सेट नहीं किया है, ये सब अभी ऐसे ही पड़ा है, बाद में सेट करेंगे, बाद में और लगाएंगे। ये देखिए बोनसाई, ये बोनसाई है, काफ़ी मोटा बोनसाई है, इसका तना बहुत मोटा है अच्छा खासा। और ये भी ये यहाँ पर जहाँ इसकी जगह है वहीं रखा है। और ये मनी प्लांट सब हम बता नहीं रहे आपको कि सारे हमारे प्लांट सारे ख़राब हो गए, अब धीरे धीरे मैं कोशिश कर रही हूँ सही करने की, और फ्यूचर में थोड़े दिन बाद देखिएगा आप अच्छे हो जाएंगे। ये देखिए गमले टूट गए सारे, ये देखिए चूर मलिदा हो गए, चूरा चूरा हो गया ये, और ये भी देखो चूरा चूरा हो गया, ऊपर से गिर गया, उन लोगों ने ऊपर रख दिया। अब ये उनको पता रहना चाहिए कि इतना बड़ा प्लांट ऐसा हवा आएगी तो वो गिरेगा नहीं, बताइए आप, लेकिन लोग को
अकल रहती नहीं है, रख देते बस खाली। लेकिन बहुत ख़राब हो गया, फ्लावर का साइज़ देखिए, भले ये चपटा हो गया था, मैं दूसरे दिन आई तो ये गिरा हुआ पड़ा था और चपटा चपटा हो गया ये पूरा। कहाँ गोल आई में था, गोल गोल था लेकिन चपटा हो गया। अब इसका गमला बदलेंगे अभी, तो ये भी रखे हैं लगाने के लिए। और ये देखिए हमारी ऊपर का हाल बेहाल है, ऊपर का हाल बहुत बेहाल है। वो मैं तो उतार नहीं पा रही हूँ, तो ज़्यादातर जो मुझसे उतरे वो उतार लिए मैंने। ये देखिए वो, अरे फाइकस, इधर तो इतनी जगह नहीं है अभी, ये फाइकस की दूसरी जगह रखेंगे। ये देखिए ये टेंगल हार्ट वाइन कितनी ब्यूटीफुल थी और कैसी हो गई है। और अभी ये देखो वो भी एक फाइकस है। और यहाँ का ज़्यादातर मैंने हिस्सा आपको बता दिया है, पूरा ज़्यादातर क्या, नीचे का बस रह गया है, बाकी के मैंने ये सब बता दिए हैं। ये देखिए यहाँ पर ये जमाना है मटका वो। तो गाइज़ अगर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। इतनी मेहनत से मैं वीडियो बनाती हूँ, आप लोग लाइक कम करते हैं, देख लेते हैं, पर सेंड कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। मैं बनाना भी बताती हूँ और कैसे गार्डनिंग करते हैं सारा कुछ बताती हूँ, सारा कुछ मैंने शेयर किया है अपने चैनल पर। तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो गाइज़ हैप्पी गार्डनिंग, फिर मिलेंगे किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। ओके, तो हैप्पी गार्डनिंग।